वर्कशीट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक ये वर्कशीट आपकी मैट्रिक्स पॉलीनोमियल के बारे में है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए हमें शो करना है ये आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हुए सिंपल सिंपल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, तो ये बन गया 3 1 -1 2। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, फिर आया माइनस का 5 और ए की वैल्यू है 3 1 -1 2। अब 7 है आई, आई कितना होगा 1 0 0 1। जब 2 by 2 की रिक्वायरमेंट हो तो 2 by 2 यूज़ करो, 3 by 3 की रिक्वायरमेंट हो 3 by 3। आप देखो इधर रो और इधर कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ 9 - 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हुआ 3 + 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 - 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 + 4। अभी -5 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो -15 - 5 - 5 और -10। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 7 0 0 7। तो अब यहाँ से आया आपके पास 8 - 15 + 7, फिर आया 5 - 5 और 0, फिर आया -5 + 5 + 0, इन लास्ट आ रहा है 3 - 10 + 7। सॉल्व करके देखो तो ये आ रहा है 0 0 0 और 0, मतलब नल मैट्रिक्स, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट देखो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है और कहते हैं एफ ए फाइंड करो। तो आपको एक्स की जगह क्या नज़र आ रहा है ए, तो आप एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ए जो आएगा ए स्क्वायर माइनस 5। लेकिन ये 6 जो है एक नंबर है और नंबर मैट्रिक्स में प्लस नहीं होगा, तो 6 को हम 6i मानेंगे, ठीक है। जब भी नंबर होगा तो उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो तो आप उसे i की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि 6 × 1 करके लेंगे। अब आप देखो ए स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ए को लिखना पड़ेगा 2 बार, तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, फिर यहाँ पर आया 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, फिर माइनस के 5 की मल्टीप्लाई होगी किसमें 2 0 1 और 2 1 3 और 1 - 1 0, प्लस में आ रहा है 6 के साथ आई, आई का मतलब है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इधर करें तो रो, इधर करें तो कॉलम, सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 0 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 0 - 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 0 + 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 + 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 1 - 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 + 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 2 + 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 - 1 + 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 3 + 0। -5 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -10 0 - 5, -10 - 5 - 15, -5 5 और 0, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने की पोजीशन में आ रहे हैं हम, तो यहाँ से आता है 5 माइनस का 10 प्लस का 6, नेक्स्ट में आ रहा है हमारे पास -1 + 0 + 0, फिर आया 2 - 5 + 0, फिर आया 4 2 6 3 9 -10 + 0, फिर आया -2 - 5 + 6 देन 5 - 15 + 0, फिर लास्ट में आता है 0 - 5 + 0 -1 + 5 + 0, फिर आया -2 + 0 + 6। को सॉल्व करें तो लास्ट में हमारे पास आंसर तैयार होता है 11 - 10 करेंगे तो 1, यहाँ देखें तो आया -1 और फिर -3, फिर यहाँ देखें तो -1 और फिर -1।
और इन लास्ट माइनस का 10, देन माइनस 5 प्लस 4, फिर 4, माइनस 5 प्लस 4 एंड लास्ट में 4, ये आ गई आपके पास वैल्यू एफ ए की, ठीक है।